हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और अब मैं बात करने वाली हूँ पुआड़ा इस फिल्म की। ये पंजाबी फिल्म है। थोड़े ही दिन पहले मैंने इसे प्रीव्यू में देखा था, जो कि स्पेशली प्रेस वालों के लिए रखा गया था। ये फिल्म रिलीज़ हो गई है तो इसका रिव्यू करने के लिए मैं आ गई हूँ। पुआड़ा बेसिकली एक पंजाबी लड़के की कहानी है। पंजाबी फिल्म है और पंजाब में रिलीज़ भी हुई है और पहले ही दिन 125,000 की इसने कारोबार भी इसने कर लिया है। अभी के समय में ये फिल्म इसलिए भी मैं रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि जो माहौल है, ऐसे में सिनेमा हॉल का खुलना बहुत टेंशन वाली बात है और ऐसे में कोई फिल्म रिलीज़ की जा रही है, बहुत हिम्मत की बात है। आई एम श्योर सारे डिस्टेंसिंग का फॉलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का स्क्रीनिंग रखा गया होगा और दर्शक टिकट लेकर देखने पहुँचे होंगे। एक बात तो तय है कि पीपल आर लुकिंग फॉर अ प्योर एंटरटेनमेंट, दे वॉन्ट टू लाफ एंड जस्ट जो पिछला कुछ समय गया है उसको भूल जाना चाहते हैं। और फिल्म, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मीडियम। सो पंजाब के जिन भी सिनेमा हॉल्स में ये लगाई गई थी वहाँ पर कई संख्या में लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और इस फिल्म को पसंद भी किया जा रहा है। इसमें अगर स्टोरी की मैं बात करती हूँ तो एमी विर्क हैं और साथ ही सोनम बाजवा हैं। एमी एक सीधे साधे दूध बेचने वाले ऐसे शख्स बने हैं और उन्हें प्यार है एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी सोनम बाजवा से। एयरफोर्स स्टेशन पे सुबह सिर्फ इसलिए जाते हैं अपने शहर से थोड़ा सा, घर से थोड़ा सा दूर, ताकि वो अपनी प्रेमिका को कॉलेज ड्रॉप कर सके जो कि एमबीए कर रही हैं। तो जाहिर है एयरफोर्स ऑफिसर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एमबीए करने वाली बेटी 10th 11th टाइप्स के लड़के से शादी भी करने की सोचे। तो आपको लगता है कि ये जो फिल्म है कुछ बहादुर की कहानी होगी कि कैसे वो एयरफोर्स ऑफिसर को बचाता है या बेटी को बचाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वही खूबसूरती है इसमें, इतनी नेचुरल खूबसूरती है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आप इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। बेस्ट पार्ट वो ये कि ये फिल्म कहीं नहीं रुकती है। आप इसमें जाते हैं और फिर आप बहना शुरू हो जाते हैं। पहले इस मोड़ जाते हैं, फिर राइट टर्न लेते हैं, फिर लेफ्ट टर्न लेते हैं, फिर राइट टर्न लेते हैं। ये इतनी खूबसूरत कहानी इसकी बनाई गई है। अब चूँकि वो एयरफोर्स स्टेशन पर जाकर दूध बांटने का काम करते हैं तो दूसरे मुल्क के जो लोग हैं वो उनके घर वालों को अगवा कर लेते हैं एमी के, कि किसी भी हालत में अब हमें वहाँ पर बॉम्ब प्लांट करना है तो हमें अंदर लेकर जाओ, तुम्हारे ही साथ जाएंगे हम लोग और उसके बाद हम हमारा काम करके निकल जाएंगे। 10वीं 11वीं वाला लड़का इतना नहीं समझ पाता, बस इतना समझ जाता है कि हाँ भाई कुछ तो भी गलत होने वाला है। वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से अपने घर वालों को बचाए और ये समय टल जाए। वो हर एक को बचाने की कोशिश करता है, वो चाहे वो सोनम हो, उसके घर वाले हो, अपने दोस्त हो, हर जगह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक 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 करके सब उनके आसपास आकर उनके घर में रहने लग जाते हैं। और अमेजिंग कॉमेडी, डायरेक्टर और राइटर की तो मैं बिल्कुल तारीफ करूँगी। इतने अच्छे से बुना है और इतने अच्छे से लिखा है। लैंग्वेज भले ही मेरी ना हो, लैंग्वेज भले ही पंजाबी हो, पहले के 5-7 मिनट मुझे लगे कि मैं, ये मेरी भाषा नहीं है, लेट्स सी मैं समझ पाती हूँ या नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन लैंग्वेज बैरियर वॉज नॉट अ बैरियर एट ऑल। आप जैसे ही फिल्म का हिस्सा बनते हैं आप सिर्फ इसमें गुम हो जाते हैं और सिर्फ आप हंसते रहते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से रिएक्शन किया है, एक्टिंग की है, एक एक कलाकार ने इतनी सुंदर एक्टिंग की है कि वाह भाई मज़े आ जाते हैं। 5 में से अगर 5.5 नंबर मैं दे सकती हूँ तो मैं दे देती हूँ। ये फिल्म देखिएगा ज़रूर जब भी मौका मिलता है। और ऐसे में मैं ये सिर्फ इतना एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जो सही डिपार्टमेंट वाले लोग हैं या जो जो भी डायरेक्टली कंसर्न्ड पीपल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि कोशिश कीजिए कि ये फिल्म हर जगह रिलीज़ हो जाए, क्योंकि जिस टेंशन से एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू, पॉसिबली एक हंसी मजाक ठिठोली और बिना टेंशन वाली फिल्म उस सारे परेशानी से, उस डिप्रेशन से, उस एंग्जाइटी से सबको निकाल सके। जय हिंद।